Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships. Prosperity into your business. And peace into your home. Balance the five elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra. Visit divinevastu.net. Reva Kumar, your Vastu Shastra specialist. रेडियो जिंदगी 1550 में आप सबका प्यार भरा स्वागत करती है रेवा और लेकर आई है आपके लिए आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम जिसका आप सबको बहुत ही बेसब्री से इंतजार है और वो है सिर्फ एक ही दैट इज द वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु एंड एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी। बहुत उत्साह के साथ थर्सडे दोपहर 2 बजे आप रेडियो जिंदगी 1550 जीएजा के साथ जुड़ जाते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है हर तरह की समस्या का सलूशन, हर तरह की समस्या का समाधान। वो कैसी भी समस्या हो, चाहे वो आपकी पारिवारिक हो, चाहे वो आपकी आर्थिक, चाहे वो आपकी मानसिक, क्योंकि इस समय आपके साथ होते हैं एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट साइकिक रीडर रितेश कुमार। जी हाँ, जिनकी चर्चा सिर्फ हमारे अमेरिका में नहीं, ऑल अराउंड द वर्ल्ड उनकी काबिलियत की, उनके ज्ञान की, उनके विवेक की और उनकी रेमेडीज की है, जो आपको किसी भी तरह के डर के, जो आपको कहीं पे भी नहीं भटकने देते अंधविश्वास के दरिया में, अंधविश्वास से बाहर लेकर आते हैं और देते हैं आपको हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन। जी हाँ, जिन्होंने आपको इन समस्याओं के द्वारा बाहर लाकर जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। रितेश कुमार जी, जिनका फोन नंबर है 5109313107, 5109313107, उनकी वेबसाइट divineintuition.us, ईमेल आईडी divinerkk@gmail.com। वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी हमेशा कहता है कि वासुदेव कुटुंबकम, सारा संसार हमारा परिवार, और कई बार इस परिवार में होती हैं कई तरह की समस्याएं, कई बार आ जाती है परेशानी आपके अपने पर्सनल लाइफ में हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को लेके, या परेशानी आ जाती है बच्चों से जुड़े उनके सवाल, उनकी स्टडीज, उनकी हेल्थ या अपनी हेल्थ से भी, पैसे की तंगी, कर्ज से जुड़े सवाल, मुकदमे, कोर्ट कचहरी के अनचाहे चक्कर, या साथ ही साथ बिजनेस नौकरी से जुड़ी समस्याएं। इन सब का सलूशन आप पा लेते हैं एक ही स्थान पे, वो है वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी में, जहां पर आपको ग्रहों से, नक्षत्रों से, नंबरों से और घर के जुड़े वास्तु से सवालों का जवाब मिलता है। और उनके लिए हमारे साथ इस समय आ चुके हैं हमारे स्टूडियो में रितेश कुमार, एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी साइकिक रीडर, जो आपको देते हैं बहुत जबरदस्त फिल्टर जूस, और वो है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, न्यूमोलॉजी, उन सब की देते हैं आज आपको कॉस्मोलॉजी। हमेशा की तरह एक बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी के साथ शुरुआत की जाएगी। ट्रिपल फिल्टर, यस, ट्रिपल फिल्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्राचीन यूनान में आप सबने ही सुना होगा सुकरात को महाज्ञानी माना जाता था। एक दिन उनकी जान पहचान एक व्यक्ति से हो गई और वो व्यक्ति ने बोला कि क्या आप जानते हैं कि मैंने आपके एक दोस्त के बारे में क्या सुना। सुकरात रुक गए, बोले एक मिनट रुको, तुम्हारे कुछ बताने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम छोटा सा एक टेस्ट पास करो, इसको कहते हैं ट्रिपल फिल्टर टेस्ट। वो एकदम चौंका, बोला ट्रिपल फिल्टर? उन्होंने बोला सुकरात जी ने कि जी हाँ, आपने सही सुना है। इससे पहले कि तुम मेरे दोस्त के बारे कुछ बताओ, अच्छा होगा हम कुछ समय लें और जो तुम कहने जा रहे हो उसे फिल्टर कर रहे हैं, इसलिए मैं इसको ट्रिपल फिल्टर कहता हूँ। और मेरा पहला फिल्टर है सत्य, सच। क्या तुम पूरी तरह से जानते हो कि जो तुम कहने जा रहे हो वो सत्य है? वो व्यक्ति बोला नहीं, दरअसल मैंने किसी से सुना है और। सुकरात ने कहा ठीक है, तो तुम विश्वास के साथ नहीं कह सकते कि यह सत्य है या असत्य। चलो अब दूसरा फिल्टर ट्राई करते हैं, अच्छाई का फिल्टर। ये बताओ कि जो बात तुम मेरे दोस्त के बारे कहने जा रहे हो क्या वो अच्छी है? वो बोला जी नहीं, ये तो बिल्कुल उसके उल्टी है। तो सुकरात ने कहा तो तुम मुझे कुछ बुरा बताने वाले हो, लेकिन तुम आश्वस्त नहीं हो कि वो सत्य है, कोई बात नहीं, तुम अब भी टेस्ट पास कर सकते हो क्योंकि अभी भी एक फिल्टर बचा है और उस फिल्टर का नाम है उपयोगिता।
मेरे दोस्त के बारे में जो तुम बताने जा रहे हो, क्या वह मेरे लिए उपयोगी है, मेरे लिए इम्पोर्टेंट है? उसने बोला, जी नहीं, कुछ खास नहीं। तो सुकरात ने कहा, लो अब मेरी बात पूरी। जो तुम बताने वाले हो वो ना सत्य है, ना अच्छा है, ना ही उपयोगी है, तो उसे मेरे सुनने से क्या लाभ? और ये कहते हुए सुकरात अपने काम में व्यस्त हो गए। हमारा कहने का यही अर्थ है कि कई बार हम इधर उधर की बातों को लेकर दूसरों को कड़वा बुरा कहते हैं। याद रखिए, भला बुरा कहने के बाद कुछ भी करके आपके शब्द वापस नहीं ले जा सकते। आप हो सकता है कहीं क्षमा मांग सकते हो और मांगनी भी चाहिए, परंतु एक ह्यूमन नेचर है, कुछ भी कर लीजिए, इंसान कहीं ना कहीं हर्ट होता है और उससे ज्यादा हर्ट होते हैं आप खुद भी। तो खुद को कष्ट देने से क्या लाभ, इससे अच्छा है चुप रहा जाए और अपनी समस्याओं को सुलझाया जाए। जी हाँ, यही हमारी आप सबसे राय है कि ट्रिपल फिल्टर का फॉर्मूला जरूर अपनाइए, क्योंकि ट्रिपल फिल्टर ही तो कॉस्मोलॉजी लेके रितेश जी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। रितेश जी, आपका स्वागत है। जय माता दी। जय माता दी रेवा जी, एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल द लिसनर्स। रेवा जी, आपकी इस कथा से मुझे भी एक बहुत कथा छोटी सी याद आई, छोटा था तब सुनी थी पर बहुत रेलिवेंट है इस बात से। इसी तरह से मैं भी दो मिनट बता देता हूँ, मेरे दिमाग में आ गया, बचपन की चीज है तो छोड़नी नहीं चाहिए, बोल देना चाहिए। एक इंसान ना बहुत ज्यादा ना उल्टी सीधी बातें करता था लोगों के बारे में, इधर से उधर चुगली करना, बेसिकली सीधे साफ शब्दों में बोलूं तो स्पेक्टेटर, मतलब तमाशा चल रहा है तो तमाशबीन है जी। तो उसकी आदत थी और उसका फिर उसके बाद काम होता था कि रोज शाम को उसकी तबीयत खराब होती थी जब तक वो अड़ोसी पड़ोसी लोगों को पकड़ के बोलता नहीं था चीजें और सब बेतुकी बातें। तो उसी ना चीजों से परेशान भी थे लोग, क्यों? क्योंकि जिनको आज वो खुश करने के लिए बोलता था कल उन्हीं की बुराई करके दूसरे को खुश करता था, करता जा रहा था। सारे लोग परेशान थे पर कुछ बोलते नहीं थे क्योंकि वो था ही इतना गलत व्यवहार का इंसान कि वो बोलते थे क्या करना इसके बारे में बात करके। एक दिन उसकी वाइफ ना बड़ी परेशान हुई, उसने कहा कि मुझे किसी से तो हेल्प लेनी पड़ेगी, अगर ये नहीं सुधरे तो ऐसे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो भी शादी के 10-15-20 सालों के अंदर में 5-10 साल उसने भी मजे ले लिए, बाद में वो भी परेशान होगी जब देखा मेरे माँ बाप को भी नहीं छोड़ा इसने। तो उसने क्या करा, एक साधु जी के पास गई। साधु जी वहां पे बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि तुम अपने पति को मेरे पास ला सकती हो? कहते हैं साधु जी, मैं ले तो आऊंगी लेकिन वो इस तरह का इंसान है, वो आपकी भी कर देगा खराब चीजें। साधु ने कहा कि कोई बात नहीं भाई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेके आओ। लेके आए तो उन्होंने भाई उससे सीधी सी बात पूछी कि मैं तुम्हें सिर्फ एक काम बोलना चाहता हूँ, क्या तुम कर सकते हो? अगर तुम कर दोगे ना तो मेरी तुम्हारी बीवी की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। उसने बोला ठीक है, क्या काम है? तो उन्होंने बोला कि ये ना एक टोकरी में तो पंख डाल के दे रहा हूँ, ठीक है, और ये पंख ले जाके तुम ना दूर चौराहे पे जाके रखाओ। उसने बोला बस। कहता हाँ बस। वो गया, उसने टोकरी उठाई, जाके पंख जाके चौराहे पे रख दिए। अब जब पंख रख के वापस आ गया तो आके बोलता जोर जी मैंने आपका काम कर दिया। वो कहते नहीं अभी पूरा करना है। कहते क्या करूं? तो पहले पानी पी ले। तो बोलते कि पानी पिला दिया। वो कहते कुछ खाएगा? कहते नहीं कुछ नहीं करना। कहते फिर जाके वो वापस टोकरी लिया। वो कहता है बस यही करना है, उसके बाद तो कुछ नहीं। उसने कहा तू इतना ही कर दे मेरे भाई। वो गया, वो टोकरी लेके आया, टोकरी में पंख ही नहीं थे, सारे पंख उड़ चुके थे। तो वो लेके जब वापस आया वो कहता है गुरुजी देखिए, वो तो देखो तुम एक काम बोला तुमने पूरा नहीं करा, उन्होंने मजाक में बोला। कहता है मुझे क्या पता वहां से सारे ले, कोई ले गया है क्या? कहता है ले नहीं गया, ये तुम्हारी बातों की तुम्हारी जो एक आदत है उसी का एक वजह तुम्हें दी है मैंने कि जैसे जो पंख है उन्हें तुम छोड़ा है हवा के साथ वो उड़ गया वापस नहीं आएंगे, ऐसे ही जो बातें तुम कर रहे हो, जो बातें तुम लोगों के लिए बोल रहे हो वो वापस तो नहीं आएंगी, पर अपना कर्म कहीं ना कहीं अधर्म पे बदल रहे हो। बहुत अच्छा। तो कुछ भी कहने से पहले सोचो क्योंकि वो मुड़कर वापस नहीं आएगा। अगर बाण तीर से निकल गया जरूरी नहीं है कि वो निशाने पे जाए, पर कहीं ना कहीं तो जाएगा। बहुत ही, तो उसका कोई फायदा नहीं है। सही कहा है किसने कि बोले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। तो इसलिए नाप तोल के बोलिए और नाप तोल के ही अपनी समस्याओं का सोल्यूशन भी ले लीजिए। नहीं, नाप तोल के समस्याओं का नहीं, आप पूरी समस्याओं का सोल्यूशन लीजिए। यहाँ पे बिना नापे तोले आपकी समस्याओं का सोल्यूशन दिया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि कोई प्रॉब्लम है और रितेश जी से जानकारी चाहते हैं, उसका सवाल का जवाब चाहते हैं, तो उन्हें आप कॉल भी कर सकते हैं स्टूडियो में भी, स्टूडियो के बाद में भी। चाहें तो स्केड्यूल करिए रितेश जी से, जिनका नंबर है 5109313107, वेबसाइट divineintuition.us, ईमेल आईडी। हार्मोनाइज योर लाइफ विद द प्रिंसिपल्स ऑफ वास्तु शास्त्र एंड मेक एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ अ सेलिब्रेशन। विद वास्तु लाइफ बिकम्स एन उत्सव। Visit divinevastu.net. Dr. Riva Kumar, your Vastu specialist.